आज हम एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो कि एक महान आत्मा थे। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय ओमकार शरण मेहरोत्रा जी की, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे और समाज को सत्यता का मार्ग दिखाया। वे एक अद्भुत इंसान थे जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। उनका सादगीपूर्ण जीवन, नेक नियत और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ गए। इनका जन्म काशीपुर रामनगर में हुआ। इनका हसमुख स्वभाव और सच्चाई के प्रति प्रेम हम सभी के लिए प्रेरणा सूत्र रहा। चाहे कठिनाइयां हो या सुख, उन्होंने हमेशा अपने आसपास के लोगों को साहस और उम्मीद दी। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने जन्मस्थली काशीपुर से ही पूर्ण की और अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिशा दिखाई। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने व्यवसाय की शुरुआत एक उद्योगपति के रूप में की। साथ ही साथ इन्होंने समाज सेवा, शिक्षा सेवा और राजनीति में भी रुचि दिखाई। इन्होंने लगभग 18 वर्षों तक नगर अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान की और 6 वर्षों तक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इनका मानना था कि शिक्षा सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसी के चलते इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए काशीपुर नगर निगम को स्थान प्रदान किया, जो कि आज सुदामालाल कन्या विद्यालय के नाम से प्रख्यात है, ताकि हमारे शहर की बालिकाओं को शिक्षित और सक्षम बनाया जा सके। स्वर्गीय ओमकार शरण जी का मानना हमेशा यही रहा कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे ही सक्षम बनाती है। वे हमेशा कहते थे कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखानी चाहिए। उनकी इन उपलब्धियों से प्रभावित होकर उनके पुत्र श्री संतोष मेहरोत्रा जी ने काशीपुर में ज्ञानार्थी कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं गुणवत्ता शिक्षा ले रहे हैं। श्री संतोष मेहरोत्रा जी अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञानार्थी कॉलेज में चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें, ज्ञानार्थी कॉलेज के छात्र छात्राएं आज काशीपुर एवं समस्त उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वर्गीय ओमकार शरण मेहरोत्रा जी को स्मरण करते हुए उनकी यादें, उनके विचार और उनका प्यार हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। हम आपको आपके द्वारा लिए गए प्रण को पूरा करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहेंगे।